ताड़वा के कोर क्षेत्र में आने वाले ग्राम रांतलोदी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें गौशालाओं समेत तकरीबन 29 घर जलकर खाक हो गए। इस आग में लगभग 18 बकरियों की झुलसने से मौत हो गई। घटना दोपहर 1:30 बजे के दौरान हुई। कड़ी मशक्कत के बाद शाम 5:30 बजे के करीब आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है। गांव में आयोजित शादी समारोह में ग्रामीणों के शामिल होने से जीवित हानि टल गई। जानकारी के अनुसार रानतलुदी में करीब 1:30 बजे के दौरान एक घर के समीप स्थित बिजली खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने हवा की तरफ फैलकर परिसर के एक के बाद एक करके लगभग 29 घरों को अपनी चपेट में लिया। घरों में ही बनी 8-10 गौशालाएं भी आग की भेंट चढ़ गई। इस आग में कई घर जलकर स्वाह हो गए, कुछ घरों का नुकसान हुआ है। इस आग में घर का सारा सामान, खाने की चीजें, खेत से निकला हुआ सारा माल आग की भेंट चढ़ गया। दमकल वाहन और ग्रामीणों की मदद से शाम 5:30 बजे के दौरान आग पर काबू पाया जा सका। मात्र आग पर काबू पाने तक घरों का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। धान सगड़ा सगड़ा एकूण एक सगड़ा म्हणजे धान वगैरे सगळे जळले, घर पूर्ण जळले, 29-40 असे घर जळले सगळा, म्हणजे काहीच त्याले म्हणजे खाले काहीच अन्न नाही, काहीच नाही त्याले। शिड्या 15 जळल्या सगळा सगळा संपूर्ण जरदूर, भांडे भांडे सगळे धान सून वगैरे सगळंच जळलं गेलं, काहीच नाही। पंधरा धान धरले, 20 पोते आग जे तारण लागली काका, तांदूर नाही, पैसा नाही, इसरा नाही, काय निघला, माल नाही, सोना नाही निघला, पैसा नाही निघला, सगळं झालं। हे जसे आहे तसे पैसे झरले, सोनाही झरला, एक अंगठी एक मुकराही झरला। एक तर झाली पहिली सुरुवात, म्हणजे अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना दुःखद घडली आहे। 29 घर इथे जळाले आहे। फॉरेस्ट तर्फे आम्ही येऊन बघितलं आहे, सर्व अग्निशमक दल यांना बोलवलं आहे, बघू आमच्या फॉरेस्ट तर्फे घर वगैरे यांचे बांधण्यासाठी लाकूड फाटा वगैरे काही देता येतील का ते आम्ही बघू। बाकी मदत करायला जिल्हा कलेक्टर साहेब आहेत, तहसीलदार साहेब, ते बघते। Yeah.